देखो तो आज हम लोग दोस्तों जो आए हैं, ये एक मशीन हम लोगों ने मंगाई है और ये एक ऐसी मशीन है जो जितने भी रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन उनके लिए, सब लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि आगे चल करके भविष्य में आप भी जब अपना काम करेंगे, अपनी शॉप ओपन करेंगे, अपना सर्विस सेंटर ओपन करेंगे, तो आगे चल करके मशीन चाहिए होगी। दूसरी बात क्या होता है, अगर आप कहीं काम करने भी जाते हैं तो भी वहां पर काम करने के लिए हमको मशीनें मिलती हैं, तो हमको मशीन चलाना आना चाहिए। मतलब मशीनों को हम लोग यूज कैसे करेंगे। ये एक ऐसी मशीन आई है, इसके अंदर सेपरेटर भी है, बबल रिमूवर भी है, मतलब दोनों कंपनी ने कंप्लीट पूरा सोल्यूशन बना के दिया है। अगर इस मशीन को कॉस्ट देखा जाए तो मार्केट में समथिंग 11-12 हजार रुपए के अप्रोक्स में मशीन जाती है, और बाकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसको 14 हजार का भी दे देते हैं, 15 हजार का भी बेच देते हैं, लेकिन ये समथिंग 11-12 हजार रुपए के अप्रोक्स में जाकर के मार्केट में मशीन पड़ती है जाकर के। अब इस मशीनों के जो रेट होते हैं वो अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोरियर ट्रांसमिशन में इसका पैसा लगता है। क्या मतलब, आपने दिल्ली की मशीन है तो दिल्ली में अगर 10 हजार की मिलेगी तो कानपुर में 11 हजार की मिलेगी, बिहार चले जाओगे तो वहां पर तुमको 1500 रुपए वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पैसा भी सब इसमें से धीरे धीरे करके जोड़ता हुआ चला जाता है। अब बात करते हैं इस मशीन को चलाएंगे कैसे, इस मशीन को यूज कैसे करेंगे। इस मशीन के अंदर सबसे पहली बात है, एक आपके इस तरीके से पावर केबल निकलती है, और इस कंपनी ने इस मशीन के अंदर पूरा वन पूरा सेटअप सॉल्यूशन पूरा बना के दिया हुआ है। आप देखिए, इसको बाहर कर दीजिए। इस मशीन के अंदर पीछे पावर केबल लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से पावर केबल लगाएंगे, ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ कि आप इसको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसमें से जो ऊपर वाला पैनल दिया हुआ है ये तुम्हारा सेपरेटर है, क्या बोलते हैं इसको, इसमें से आप कटिंग करते हैं, ऐसे कटिंग करते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं, जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास ये इसको नॉर्मल सेपरेटर बोलते हैं, और एक हमारा सेपरेटर ऐसा आता है जो एज ग्लास के लिए आता है। एज ग्लास में क्या होता है कि आपको इसमें ऐसे रखना होता है और उसमें से उसकी क्लिंप आती है, वो क्लिंप उसको क्या कर लेती है, ऐसे पकड़ लेती है। पहले उसमें से मोबाइल फोन को ऐसे रख करके गर्म कर लेते हैं, जब मोबाइल फोन हीटअप हो जाता है तो जब मोबाइल फोन गर्म हो जाएगा तो उसको हम ऐसे पलटा लेते हैं, फोन हमारा गर्म है ही और वो इसके माध्यम से पकड़ लेता है। फिर हमको क्या करना, तो ऊपर से ही कटिंग करना होता है। आपने देखा होगा जो कटिंग वायर चलाते हैं, उस कटिंग वायर को कभी ऊपर करके नहीं चलाया जाता, हमेशा नीचे करके चलाया जाता है, और हमेशा जो एज ग्लास होता है वो भी ऐसे नीचे को ही घुमा होता है, कभी ऊपर को नहीं घुमा होता। ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा है, वो हमेशा ऐसे ही घुमा होता है। तो जब नीचे की तरफ घुमा होता है तो हम लोग एक तरफ से कट कर लेते हैं, कट करने के बाद उसको धीरे धीरे करके नीचे से पूरा ग्लास को कटिंग करके बाहर निकाल देते हैं, और उसमें वो पकड़ने वाला आता है। अगर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉर्मल सेपरेटर है तो उनको एज में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंड भी आता है, आप उस स्टैंड को इसमें से जा करके कस दीजिए और फिर तुम्हारा यही एज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा। उस स्टैंड का जो कॉस्ट आता है समथिंग 3000 या 2000 ऐसे अप्रोक्स में आता है, जो कंपनी का जैसा आप लेंगे वैसे अलग अलग आता है। अब इसके ऊपर मोबाइल फोन को रख करके गर्म करना होता है, जब गर्म करेंगे तभी आप कटिंग कर पाएंगे। उसके बाद ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है, अगर आप इस मशीन में से देखेंगे तो इस मशीन के अंदर ये जो हमारा दिया हुआ है, ये टेम्परेचर कंट्रोल है, हीटिंग है, स्विच है। ये हीटिंग स्विच का अगर बोला जाए तो ये जो काम करता है, ये जो ऊपर का काम करने वाला है, इसका पूरा सेक्शन यहाँ पर पैनल पर दिया है। अगर तुमको कटिंग करना है तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, हीटिंग करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, ठीक। और अगर आप इसमें से ये वाला जो सेक्शन दिया हुआ है नीचे का सेक्शन, ये नीचे का सेक्शन तुम्हारा बबल रिमूवर का काम करता है। इसके अंदर आप एक मोबाइल फोन, जितना बड़ा स्पेस है ये पूरा दिया हुआ है, जैसे इतनी बड़ी ट्रे है, इसमें से मोबाइल फोन ऐसे रख दीजिए जो भी आपके पास। भाई इतना बड़ा काम्बो तो ज्यादा आता नहीं है, काम्बो जब खुल जाता है तो इसके अंदर जा करके पूरा ऐसे अंदर तक तो घुस जाता है। इससे भी अभी देखो और स्पेस ज्यादा है, ये मेरा 6 इंची का मोबाइल फोन, इसमें 7 इंची 8 इंची तक का मोबाइल फोन घुस जाएगा। तो आपने यहाँ पर घुसड़ दिया, घुसड़ने के बाद उसको क्या कर दिया, ढक्कन को ऐसे बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो हवा बढ़ती है वो हवा प्रेशर होता है, उस प्रेशर से ही हमारा काम्बो क्या हो जाता है, पंच हो जाता है। क्या होता है, पंच हो जाता है। जब आपका काम्बो पंच हो जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा, बढ़िया से फर्स्ट क्लास हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, डाल देंगे, बंद कर देंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस मशीन को सप्लाई देते हैं, मशीन को सप्लाई देने के बाद मशीन को यूज कैसे करते हैं। इस मशीन का ये लॉक पूरा बंद कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया।
ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लॉक जब तक न बंद हो तो आप ना करें, नहीं तो खड़खड़ खड़खड़ सारी हवा बाहर निकल आएगी। इसके अंदर देखो बबल रिमोर का जो काम करता है वो होता क्या है, बबल रिमोर का मतलब होता है मोटी भाषा में अगर आप बोला जाए तो जैसे हवा भरना, इसके अंदर हवा भरी जाती है। अच्छा, जो हवा का जो प्रेशर होता है कितना होता है, 80 से 90 का प्रेशर होता है। कितना होता है? 80 90 प्रेशर की बात करेंगे कि हम लोग अपनी मोटरसाइकिल में जो हवा भराते हैं वो पिछले वाले टायर में 40 रखते हैं, आगे 35 रखते हैं, है ना, वो प्रेशर होता है। अगर उसमें से 35 का प्रेशर होता है तो इसमें से 80 90 का प्रेशर दिया जाता है, मतलब उससे दुगुना। अगर उतनी हवा चाहो तो मुंह से भी भर सकते हो, लेकिन मुंह में इतना प्रेशर होना चाहिए, या तो प्रेशर मशीन कहीं से भी इतनी हवा इसमें डाल दो तो भी इसके अंदर हवा भर जाएगी। अच्छा, इसके अंदर बबल रिमोट जो हवा भरने वाली जो मोटर होती है, आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास फोर व्हीलर गाड़ी होती है तो उनके पास एक छोटा सा अलग से हवा भरने की मोटर आती है, वो बाहर रख देते हैं, अंदर चार्जिंग से जैसे जोड़ते हैं तो हवा कम हो जाती है तो हवा बनाती है, वो भर देती है। वही छोटी सी उसी टाइप की एक मोटर होती है, वो इसके अंदर लगी होती है जो हवा को बनाती है। अगर आप कल को चाहें कि इसमें एडिशनल से सिलेंडर जोड़ना चाहते तो यहाँ जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, केबल प्लग आता है, उस केबल प्लग को यहाँ पर आप इसे दबाएंगे, ऐसे घुसेड़ देंगे तो ऐसे क्या होगा, आप चाहो तो कल को अगर इसका मान लो कंप्रेसर काम करना बंद कर दे, हवा वाला काम करना बंद कर दे, ये तुमको ऐसा लगता है कि इसका प्रेशर कम बन रहा है या नहीं बना पा रहा है, तो आप इसमें से अलग से सिलेंडर लगा सकते हैं, मतलब अलग से सिलेंडर लगाने का इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि इस मशीन को हम लोग यूज कैसे करेंगे और इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसको आप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात, ये केबल लेंगे, मशीन का खाली एक ही सिक्योरिटी पर ध्यान देना है कि जब मशीन का आपका यूज ना हो तो मशीन को बंद कर दें। अगर मशीन में पावर कोड लगा रहेगा, लगातार मशीन चलती रहेगी, तो मशीन हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये एक नए दुकान के लिए या एक छोटे से दुकानदार के लिए या पहले काम करने के लिए हमारी मशीन बहुत सफिशियंट है। ये एक दिन के अंदर कम से कम नहीं है तो 10 से 15 ग्लास तांबू पंच कर सकती है। और हमारे दुकान में ज्यादा से ज्यादा 3-4, 2-3 फोन आते हैं, 5 फोन आते हैं, कोई हमारे पास 15-20 फोन तो ज्यादा से ज्यादा आते नहीं है। तो हम लोग 15-20 मोबाइल फोन के लिए ये मशीन हमारी सफिशियंट है और अच्छी तरीके से काम कर सकती है। अच्छा, एक साथ ही पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। अच्छा, जब सब कुछ एक साथ दिया तो इसका एक और खासियत है, ये थोड़ा सा भारी भी है। भारी होने से क्या होता है, जब आप कटिंग करते हैं तो नॉर्मल सेपरेटर होता है, ऐसे हलता है, तो ये हलता भी नहीं है, थोड़ा सा भारी पड़ना जाता है, तो ये इसका एक बेनिफिट भी मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर कोड लगाएंगे। आप इस मशीन को चलाने का तरीका देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी सारी कंपनी होती है, अब आप इसको ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो ये देखिए आपके ये पैनल तुम्हारे चालू हो जाएंगे। ये तुम्हारे जो पैनल जो चालू हो जाता है, ये तुम्हारे प्रेशर का पैनल है। किसका पैनल है? प्रेशर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर का है, इसमें से ये टेम्परेचर का दिया हुआ है, टेम्परेचर का मतलब कितना गर्म होगा, और उसके बाद टाइमिंग, आप टाइमिंग क्या सेट करने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर सेट होने वाली है। ये जो पैनल दिया हुआ है ये तुम्हारे आगे के लिए पैनल है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तुम्हारे जो पैनल दिया हुआ है ये भी तुम्हारे टेम्परेचर के लिए, ये किसके लिए, सेपरेटर के लिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप देखेंगे हाथ रखेंगे तो मशीन स्टार्ट हो गई, बंद हो गई। ये तुम्हारे हीटिंग का है, किसका है, हीटिंग का। अगर इसको दबाएंगे तो हीटिंग होगी, नहीं दबाएंगे तो नहीं हीटिंग होगी। देखिए ऑटोमेटिक हीटिंग तुम्हारी चालू हो जाएगी। अब आप इसको सेटिंग में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। इस समय पर हमारी जो हीटिंग होती है वो हमको कितने पर सेट करना होता है, हमको 100 पर सेट करना होता है। कितने पर सेट करना होता है, 105 पे समथिंग हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक। अगर आप इसका लास्ट देखना चाहते हैं कितना लास्ट जाता है, तो मैं आपको चेक करा देता हूं। इसका लास्ट 120 और ऊपर तक जा रहा है, देखो काफी दिया हुआ है, 150 तक हो सकता है, देखो कितना, देख लेते हैं कितना तक, 150 तक दिया हुआ है, 150 तो बहुत हीटिंग है। हम लोग क्या करते हैं, हमको कितने पे सेट करना होता है, 105-100 पे सेट कर लेना होता है। 80 से 110 के बीच में, ठीक, हमने 105 पे सेट कर दिया। अब 105 पे हमारी प्लेट गर्म होगी, क्या होगी, गर्म हो गया। अब 100 तक कर सकते हैं, देखिए हमारी 72-73-74-75 हो गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप मोबाइल फोन लेंगे, जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को लिया, इस मोबाइल फोन का चेंज करना, तो आप इसमें सबसे बड़ी देखिए कि बबल आपकी ऐसी लगी हुई है
कि पूरी एक बार में पूरा दिया हुआ है आप ऐसे है अभी तो आप जनरली ऐसे हटा भी सकते हैं, और जब आप इसका ऐसे रख देंगे और रखने के बाद थोड़ा सा ऐसे शक करेंगे उसके बाद चालू करेंगे फिर आप इसको नहीं हटा पाएंगे। देखिए देखिए कितना कितना हीटिंग है। अब आप क्या कर सकते हैं, इससे कटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद आपका अलग हो जाएगा। जब आप कटिंग करेंगे तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप बबल रिमूवर यूज करेंगे तो फिर दोस्तों फिर आप इस सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी हमको कटिंग करना है तो यहां से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक वायर है, किसी के पास कोई काम्बो है, लीजिए जरा। ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, ये रबड़ यहाँ से फिक्स है, यहाँ से नहीं पूरे होल करने जो है सिर्फ दो होल से काम हो जाएगा। अब चलिए मैं एक काम्बो तुमको कटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसका कैसा है। सबसे पहले जब भी आप काम्बो कटिंग करेंगे तो ये टेम्पर वगैरह जो लगा हुआ इसे आप क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए अब मैं आपके सामने कटिंग करके दिखाता हूं। पहली बात तो इसको आप गर्म हो जाने दे, एक सोफा है ऑलरेडी गर्म हो गया, कटिंग वायर दीजिए जरा। कटिंग वायर बेटा मॉइस्चर कटिंग वायर देखना टेबल पर रखा होगा। अब ये हमारी जब गर्म हो जाएगी तो इसकी ग्रिप अच्छी है, और मशीन हमारी ऐसी काम करनी चाहिए कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पकड़ अच्छी हो। अब आप कटिंग करने के लिए वायर लेंगे, वायर को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे और साइड से इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हाँ पकड़ अच्छी है, देखो मतलब काम्बो हिल तक नहीं रहा बिल्कुल, इतना अच्छा पकड़ है। इसको आपको उतना ही काटना है जितना इसमें कटे, ऐसे सारंगी की तरह बजाते रहो, लकड़ी जैसा नहीं काटते, जितना ताकत नहीं लगाना होता, जितना कटे उतना काटो। और आप जब ताकत लगा दोगे तो वायर टूट जाएगा। अगर तुम्हारा काम्बो बहुत ज्यादा टूटा होता तो आप उसमें एक बार लेमिनेशन भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेमिनेशन भी कर देते हैं। अगर हमारा चिपका हुआ रह जाता तो एक बार और तार फेर देते हैं। आपको यहाँ पर खींचना है, मैं बहुत ऐसे बच्चों को देखता हूँ वो क्या कर लेते हैं, खींच देते हैं, आप ऐसे फिराते रहो खुद ही अलग हो जाएगा। देखिए बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो। अब ये अलग हो गया, और यहाँ पर अगर आप लेमिनेशन पहले से कर देते तो ये कांच का टुकड़ा अलग नहीं होता। फिलहाल चलो मशीन की कैपेसिटी थी उसने अच्छे से पकड़ रखा था, और ये हमारा कांच क्या हो गया, अलग हो गया। और ये हमने इसकी कटिंग कर दी, तो फिलहाल ये बाकी हम लोग जो बाकी मशीन यूज करते हैं तो थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा इसमें वैक्यूम इसलिए अच्छा है क्योंकि मशीन नहीं है,
नई मशीन होती है जो उससे चिपक के वैक्यूम होता है, अच्छा होता है। और इसकी रबड़ भी बहुत अच्छी दे रखी है, तो ग्रिपिंग अच्छी है, तो ग्रिपिंग अच्छी होने की वजह से क्या होता है, इसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, ये मशीन पकड़ भी अच्छा कर लेती है। चलिए, ये हम लोगों ने सेपरेटर का चेक किया कि सेपरेटर का सेक्शन इसका ओके है और सेपरेटर काम कर रहा है, और आप भी आप ऐसे काम करेंगे। इसमें से ये जो स्विच दिया हुआ दोस्तों, स्टार्ट स्विच, ये तुम्हारा वैक्यूम का है, और ये जो तुम्हारा स्विच दिया हुआ ये तुम्हारा हीटिंग का है। किसका है? हीटिंग का है। अब आपने दोनों को यूज करना तो चालू कर लीजिए, नहीं तो दोनों को बंद करना तो आप बंद कर दीजिए। अब हमारा ये काम ओके हो गया। अब मान लिया, अब हमको इसमें ग्लास पंचिंग करना है। क्या करना है? ग्लास पंचिंग करना है। तो पंचिंग करने के लिए सबसे पहली बात, आप यहाँ पर प्रेशर में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? प्रेशर में जाएंगे। अगर देखेंगे तो हमारा प्रेशर जो दिया हुआ है, वो प्रेशर को आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसके अंदर कितना प्रेशर दिया हुआ, 8 तक दिया हुआ। 8 का मतलब होता है 80। 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 80। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम लोग कितना कर लेते हैं, समथिंग 5 पे सेट कर लेते हैं। कितना सेट कर लेते हैं? 5। 50 पे प्रेशर कर लेते हैं। 50 पे प्रेशर करने पर फिर इसमें टाइमिंग होता है, कितना टाइमिंग, कितने टाइम के लिए आप करना चाहते हो। अब इसमें से टाइम देखना पड़ेगा कि ये हमारा मिनट में चल रहा है, काउंट कर रहा है कि सेकंड में काउंट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे 15 है तो हमने 15 ले लिया, तो हो सकता है 15 मिनट भी हो सकते हैं, तो इसको कर लेते हैं हम लोग, 15 सेकंड भी हो सकते हैं। चलो मैं 5 करके देख लेता हूँ, ठीक है, अभी आइडिया लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर का होता है, यहाँ पर टेम्परेचर, ये अंदर का टेम्परेचर होता है, अंदर का जो टेम्परेचर रखना होता है 45 समथिंग रखना होता है। कितना रखता होना? 45 रखना होता है। तो 45 हम लोग टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, 45-50 टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, हमारा सेट हो गई मशीन। अब आपको इस काम्बो को लेना है, इस काम्बो को इसके अंदर देखिए, इसी को मैं जो पुराना टूटा फूटा है, मैं एक बार दोबारा इसमें से डालता हूं, और ऐसे से हमने रख दिया, इसको हमने ऐसे चिपका दिया। अब ये मशीन के अंदर जाएगा तो आउट चिपका देगा। अब इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे मशीन ऑन करेंगे तो तुम्हारा चालू हो जाएगा। चालू होते ही आप हमेशा जब काम्बो रखेंगे तो इसका फेस ऊपर के रखे रहेंगे, ये नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद आपने इसको अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद आप वापस क्या करेंगे, इसको लॉक को बंद करेंगे। देखो जैसे लॉक बंद करेंगे वैसे टाइमर चालू होता है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ, देखिए हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है, किसका होता है, ये टेम्परेचर का ऑप्शन है, ये हमारा स्टार्ट का ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हवा भरना चालू हो गई है। अभी हमारा प्रेशर लेवल को बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रेशर लेवल देखो 5, मतलब 5 तक हवा भर गई। जैसे 5 तक हवा भर जाएगी तो मशीन हवा भरने के बाद बंद हो जाएगी। भाई हवा भरने में कोई समय थोड़ी ना लगता है, 50 का प्रेशर होता है, जगह छोटी सी है, इतनी जगह है, काम्बो के बराबर जगह है। भाई हमारा मुंह है, हमारे मुंह में हवा भरनी, तो 1 सेकंड नहीं लगा, फंक से हवा भर गई। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें तो 6-10 लीटर हवा भर जाएगी, उतनी ही भरेगी जितना साइज है। ऐसे जो मोबाइल, ये जो आता है बबल रिमोवर आता है, इसको बबल रिमोवर बोलते हैं, बबल रिमोवर का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा साइज होगा तो कम हवा, ज्यादा बड़ा होगा तो बड़ी हवा। जो पहले पहले गोल गोल ढोलक जैसे आते थे उसमें एक बार में 15 किलो हवा भरते थे, अब 30 लीटर का सिलेंडर होता है, वो 15 की हवा तो वही भर रहा है, तो 2 बार में हवा खा जाता था। अब ये जो हवा भर रहा है ये मुश्किल से कितना हवा लेता होगा, देखो थोड़ी देर चालू हुआ एकदम से काम हो गया। अब यहाँ पर आपको खोलना नहीं है, टाइम ना खत्म, हाँ जब तक ये टाइम ना खत्म हो जाए। देखिए 5 था ना, 4 हो गया, मिनट में, हाँ ये मिनट में चल रहा है, तो समथिंग 5 मिनट का समय काउंट दिया जाता है, तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 1 आएगा तो ये अपने मन से हवा को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। हाँ जैसे हवा रिलीज कर देगा, तो रिलीज करने से हमको पता चल गया कि हमारा काम्बो का काम हो गया, और बस हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर मान लिया हमारा कुछ काम्बो ऐसे होते जो हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो 5 पे मान लिया नहीं पंच हो पाया, तो थोड़ा सा हवा को बढ़ा लीजिए, 60 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, मतलब 8 पॉइंट पे कर लीजिए, बढ़ा कर लीजिए। सिलेंडर इसी में फिट है, आप अलग से लगाना चाहो तो अलग से लगा सकते हो। देखो 3 हो गया, 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, धीरे धीरे करके हमारा टाइमिंग कम हो जाएगा।
तो ये मशीन हमारा अगर देखा जाए वैल्यू पर्पस पे बहुत अच्छी मशीन है, और इससे आप मोबाइल फोन को खोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का मान लिया आपको काम्बो खोलना है, तो काम्बो खोलने के लिए अगर आप ऐसे खोलेंगे तो इसमें से दिक्कत करेगा। तो आप क्या करिए, पहले उसको गर्म करिए, क्या करिए, गर्म करिए। जब आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये पूरा काम्बो ढीला हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, काम्बो की जो सबसे बड़ी कहानी है वो ग्लू के ऊपर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ग्लू, क्योंकि काम्बो जो चिपका होता है कोई पेचकस वेचकस से कसा होता तो होता नहीं है, ये सिर्फ ग्लू के माध्यम से चिपका होता है। अच्छा, मार्केट में जो ग्लू आते हैं वो भी अलग अलग तरीके के आते हैं। कुछ ग्लू ऐसे होते हैं जिनकी पेस्टिंग हार्ड होती है, कुछ ग्लू ऐसे होते हैं जिनकी पेस्टिंग नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल पेस्टिंग होती तो इजीली निकल आता, हार्ड पेस्टिंग होती थोड़ा समय लगता है। तो आप फोन को अच्छे से गर्म करिए, जब आप फोन का आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद फिर आप चारों तरफ से आप इसको क्या करिए, ऐसे नाखून से ढीला करिए। जैसे आप ग्लू, क्या होता है, ग्लू का टेम्परेचर होता है जैसे 60-70 पे वो लिक्विड होने लगता है। कितने पे लिक्विड होने लगता है, 60-70 पे। तो हमने 80-90-100 पे टेम्परेचर पे सेट करके मशीन पे रखा तो हमारा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो लिक्विड होने लगेगा, तो लिक्विड हो जाने का मतलब क्या, तो उसकी चिपकन क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। फिर उसको हम चारों तरफ से निकाल लेते हैं। मैं बहुत लोग, आप लोगों को मैं ही ऐसे देखता हूँ वहां पर काम करते हुए, कि आप लोग इसको क्या करते हो कि जैसे पूरा गर्म भी नहीं हो पाता लेकिन फिर भी आप खींचने लगते हो। तो खींचने से क्या होता है, जो ग्लास है जब आप भाई ताकत लगाओगे तो टूटेगा। ग्लास में जब आप ताकत लगाओगे तो ताकत लगाने से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो फिर आपका काम्बो बेकार हो जाएगा। इसमें से आप ही बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल फोन में से स्क्रीन को निकालते निकालते ही तोड़ देते हैं। मतलब इसमें तो कटिंग करना है, हमको ग्लास चेंज करना है। तो उन्होंने जब इसको निकाला, निकालने में कहानी खत्म कर दिया, तोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप जब इसे प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाए, प्रॉपर तरीके से ढीला हो जाए, तभी आप इसको निकालें, ऐसे जबरदस्ती ना निकालें। और मशीन अभी फिलहाल ये पूरा हो जाने दीजिए। एक मिनट बचा हुआ है, जैसे एक मिनट हो जाएगा तो फिर अपने मन से हवा निकल जाएगी और हमारा ग्लास क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। ये तो फिलहाल अच्छा नहीं होगा क्योंकि वही पुराना वाला हमने चिपका करके डाला है, लेकिन जब आप अपना नया मार्केट से लाएंगे उसको पंच करके डालेंगे तो अच्छा है। एक छोटी सी जगह, कम जगह में पूरा एक साथ पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, कि मतलब वहाँ पे ग्लास भी चेंज हो रहा है, कटिंग भी हो रही है, साफ भी हो रहा है, पंचिंग भी हो रही है। अच्छा, मशीन जो इसके अंदर भारीपन है ना, इस भारीपन से एक फायदा ये भी कि जब आप कटिंग करते हो तो कटिंग करने से हिलेगा भी नहीं, तो उसकी पकड़ की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। प्लस इसका रबड़ का जो ऐसा स्टाइल दिया हुआ है तो ये भी बेहतर है, जिससे क्या है कि आप एक बार में से कटिंग हो जाती है और आपकी तुम्हारी रबड़ की देखिए ग्रिप कैसी, देखिए इस तरीके से ग्रिप बनी हुई है। उसमें तो ऐसी प्लेन आती थी ना कि जैसे करो तो ऐसे खिसक जाती थी, और इसमें चारों तरफ से ग्रिप दे रखा है। तो ग्रिप देने से क्या होता है कि वो जनरली क्या होता है, थोड़ा सा खिसकेगी नहीं, थोड़ी सी अपनी अपनी जगह पर बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा है, देखिए ऑटोमेटिक हवा रिलीज हो गई। जैसे हवा रिलीज हो जाए तो हवा रिलीज होने के बाद प्रेशर देखो यहाँ खत्म हो जाएगा, 5 प्रेशर था बिल्कुल खत्म हो गया, तब आपको निकालना है। ये नहीं कि तुमने प्रेशर में निकाल दिया, प्रेशर निकाला तो काम वो छटक के बाहर निकलेगा जाकर के, गिरेगा जाकर के। अब आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, देखिए यहाँ पर बीच में से देखो प्रेशर की वजह से कितना देखो चमकदार हो गया ना काला काला। ये तो हमने टूटा फूटा था इसलिए लगाया था, लेकिन अगर आप देखेंगे अब इसको अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, तुमको फिर कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए ग्लू था ना बिल्कुल काला हो गया, काला का मतलब होता है आपका ग्लास और डिस्प्ले ऐसा चिपक जाएगा कि उसके अंदर बिल्कुल नामो निशान हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ऐसा सफेद सफेद खत्म हो जाता है। अगर हम साफ करके बढ़िया से लगाते तो बढ़िया फर्स्ट क्लास से चिपक जाता, एक भी हमारा ऐसा काम वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसा बन जाता। तो मशीन अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है। ये हमने मशीन, ये हमारे रामवीर जी है और इन्होंने अपनी अभी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोली है। तुमसे आप लोगों से पहले के ही बैच में थे, इन्होंने अपनी दुकान जालौन में खोली है। जालौन से होना था, या जालौन से हैं। इन्होंने अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोली है, पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जितना सारा टूल्स है सारा टूल्स मंगाया है। ये एक मशीन मंगाई है, माइक्रोस्कोप मंगाया है, हॉटगन मंगाया है, डीसी पावर सप्लाई मशीन मंगाया है, या बूट केबल मंगाई है, मोबाइल फोन को खोलने के स्क्रू ड्राइवर्स मंगाए हैं, मोबाइल फोन को खोलने के ओपनर मंगाए हैं, जितने भी सारे टूल मंगाए हैं सारा टूल पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का A to Z सब सामान है। और टोटल सारा सामान जिनको पड़ा जा करके वो 45,000 रुपए का टोटल सामान पड़ा है, जिसमें ये मशीन भी है, माइक्रोस्कोप भी है, लाइट भी है और मल्टीमीटर भी है, जितना टोटल A to Z रिपेयरिंग है जितना सारा किट पूरा किट बैग जो उनका पूरा सामान आया है, टोटल समथिंग 45,000-47,000 रुपए का सारा सामान पड़ा जा करके। और यदि नवरात्र में ही इनकी ओपनिंग है
तो बढ़िया तरीके से जाओ रामवीर, अपना काम करो जा करके, और हमारी तरफ से सभी लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा। और आप लोग सीख करके बढ़िया तरीके से काम करो, और जितने भी सारे आप लोग जो भी लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद ये मशीन चलाना हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि पहले मशीन ऐसी नहीं आती थी, अलग अलग आती थी, अब एक बार आई हुई, एक साथ में आई हुई है। तो कंपनी है, टेक्नोलॉजी है, हमेशा समय समय पर चेंज होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं, तो हमको नए नए गैजेट के बारे में अनुभव होना चाहिए ताकि हम कल को भविष्य में काम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। ये मैंने ऑपरेट करने का तरीका बताया, ये मैंने जैसे ये मशीन चलती है आप भी वहां पर ऐसे चलाते हो, ये जैसे चलता है तो वो भी ऐसे चलाते हो, तो आप इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कभी ऐसी मशीन आती है, मशीन आप लेते हैं, या कभी ऐसी मशीन आपको दिखाई देती है, तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि आपने तरीका देखा हुआ है। और कोई दिक्कत आए तो मैं अभी इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगा, तो आप लोग इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, जिसको तुमको चलाने का तरीका क्या हो जाएगा और अच्छे से पता चल जाएगा। पावर ऑफ, ठीक।